दुनिया में कोविड 2020 से हमें काफ़ी सीख सिखा दिया अब बच्चों और कोविड इन्फेक्शन को लेकर। अब हम क्लियर है थोड़े फैक्ट से, जैसे कि नंबर वन, बच्चों को भी कोविड इन्फेक्शन उतना ही ससेप्टिबल है जितना बड़ों को होता है। नंबर टू, हाँ बच्चों में माइल्डर सिम्टम्स है, लेकिन वर्ल्ड वाइड काफ़ी बच्चे एडमिट भी हुए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, निमोनिया एंड डेथ्स ये सब हुई हैं। इन एडिशन एक कॉम्प्लिकेशन है जिसका नाम है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसके बारे में ये बच्चों में ही स्पेशली देखा गया, बड़ों में नहीं, जिसमें काफ़ी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बिसाइड्स लंग, हार्ट एक्सेट्रा, जॉइंट्स। लेकिन इसकी खास बात ये है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि किसको माइल्ड होने के बाद भी हो सकता है या किसी भी हो सकता है। इन एडिशन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ की भी होती है। हमने देखा है कि जो मेंटल हेल्थ पे इनफैक्ट बच्चों पे पड़ा है वो बड़ों से कहीं ज़्यादा पड़ा है। जो डिप्रेशन बच्चों में हुआ है वो बहुत अधिक है। और अब हमें ये भी मालूम है कि बच्चे जब घर जाते हैं तो वो उनका इन्फेक्शन बड़ों को भी हो सकता है, जैसे घर पे बड़े लोग हो, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, और उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो रिस्क उनके लिए भी जाता है। और ये वैक्सीन विदेशों में काफ़ी टाइम से दे जा रही है और अब तो वो बूस्टर डोज भी देना शुरू कर दिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीशन लिया है एक्सपर्ट कमेटी के संग, अभी बिल्कुल हमें वैक्सीन इंडिया में बच्चों को देने का समय आ गया है। मेरे हिसाब से तो समय 2 हफ्ते पहले ही था। अभी हमें इसको डिले नहीं करना चाहिए। 15-18 ईयर्स में इनरोल हुई है और 8 करोड़ बच्चे जो पूरे देश में हैं, पहले हमें इनको कवर करके नेक्स्ट स्टेज वाइज हम छोटे बच्चों में भी जाएंगे, और जो कवर हो चुके जो नहीं उनके माँ बाप और बच्चों को मैं कहूँगी कि हमारे पास वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर इनफ एविडेंस है और मैं तो शायद जरूर अपने बच्चे को लगाऊं। पिछले 1 हफ्ते से हम वैक्सीन को एनरोल करें और तब से जो हमने एक्सपीरियंस देखा है 1.5 करोड़ बच्चों में कि साइड इफेक्ट बड़ों से कम है, और साइड इफेक्ट मोस्टली इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, यही रिपोर्ट किया गया। इसके साथ साथ थोड़े बच्चों में थकान या मसल पेन्स या हल्का सा फीवर पहले दिन के लिए बताया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले दिन वैक्सीन लगाकर आप रेस्ट करें, हाइड्रेशन लें और गुड स्लीप रखें। वेल, जो इंडिया में वैक्सीन अप्रूव है, जो DCGI की क्लियरेंस से कोवैक्सीन, ये एक किल्ड वैक्सीन है। तो जब हम किसी किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई भी वैक्सीन के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती और हम दूसरी वैक्सीन के साथ उसे दे सकते हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन या अन्य कोई वैक्सीन के साथ भी हम ये वैक्सीन को लगा सकते हैं।